भगवान श्री राम के लंका गमन और इसके लिए राम सेतु के निर्माण का विषय वैश्विक स्तर पर चर्चा को जन्म देता रहा है और इस पर वैज्ञानिक अन्वेषण हुए हैं और समय समय पर अनेक ऐसे परीक्षण सामने आए हैं जिनमें अधिकांश में ये चीज प्रमाणित होती है कि भगवान श्री राम ने वानर सेना के साथ, भगवान श्री हनुमान के साथ, लक्ष्मण जी के साथ लंका का गमन किया था और इसके लिए राम सेतु का निर्माण किया गया था। तो अब जो ताजा स्थिति इसकी अभी सामने आई है वो इस बात को फिर प्रमाणित करती है वैज्ञानिक आधार पर कि किस प्रकार से राम सेतु का निर्माण जो हुआ था वो अभी भी मौजूद है और जो भी प्रमाण समुद्र के हिंद महासागर के नीचे दिखाई देते हैं, जो यहाँ से दक्षिण भारत से श्रीलंका तक जाते हैं, वे सभी श्री राम सेतु के प्रमाण हैं और इसको हमें मानना चाहिए। अभी जो ताजा सर्वेक्षण सामने आया है वो डिस्कवरी साइंस चैनल का है। डिस्कवरी साइंस चैनल के माध्यम से अंतरिक्ष से जो सैटेलाइट तस्वीरें ली गई हैं उपग्रह के माध्यम से, उसमें स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि समुद्र के नीचे राम सेतु बना हुआ है। सारे पत्थर जो है लाइन से स्पष्ट दिखाई देते हैं और इसमें काफी सामग्री जो है साइंस जो ये चैनल है उसने दिखाई है, खासकर डिस्कवरी चैनल ने, और उसमें उनका वीडियो भी सामने आया है और उन्होंने ये कहा है कि राम सेतु के प्रमाण है ये और ये जरूर कोई एक महामानव थे जिन्होंने वानर सेना के साथ इसका निर्माण किया था। बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि सैटेलाइट के द्वारा जो तस्वीरें ली गई हैं उनमें चीन की दीवार का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। तो हम उस बात को भरी छोड़ दें लेकिन ये बात प्रमाणित हो जाती है कि राम सेतु का अस्तित्व था और इस पर जो बहस होती है वो निरर्थक है और जो इतिहास का शाश्वत सच है, प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति का जो शाश्वत सत्य है वो सत्य था, वो सत्य है और वो हमेशा रहेगा।